हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है। परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है, तो आपको केवल मित्रों की नहीं, शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे, ये मैंने कैसी बात कर दी? तनिक स्वयं सोचिए। जब भी संकट आता है, तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है। क्या हुआ माता? कुछ हुआ नहीं पार, परंतु शीघ्र ही होने वाला है। पार, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भ्राता विकोदर वापस लौट आए हैं। जाओ, जाकर अपने अग्रज का स्वागत करो। जाओ पार। आप नहीं आएंगे माता। तुम जाओ पार, मैं कुछ समय पश्चात आता हूं। मुझे क्षमा कर देना वीर बर्बरीक। बस करो नकुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? राधा भीम, आप अपनी दशा देख रहे हैं? किसने किया ये सब? बस एक बार उसका नाम बता दीजिए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने कौन हो तुम दुसाहसी? आपका पौत्र पितामह। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं मैं। इसकी मार से जो चिन्ह मेरे शरीर पर पड़े हैं, इसका अर्थ तुम समझते हो अर्जुन? इसका अर्थ है कौरवों पर हमारी विजय तो निश्चित है अनुज। पारंपरिक बल और युद्ध कौशल दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस महायुद्ध में इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा, और मुझे विश्वास है कि पारंपरिक अकेला ही इस महायुद्ध को समाप्त करने में सक्षम है। तो ये तो बहुत प्रसन्नता की बात हुई। सुदेव, ये मेरा पौत्र बार्बरिक है। बार्बरिक, ये मेरे भगवान कृष्ण।
बचपन से आपकी कथाएं सुनकर ही बड़ा हुआ हूं प्रभु। आप मेरे स्वप्न में आते थे, मैंने देखा कि आप ही मेरे मुक्ति मार्गदर्शक हैं। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे ना प्रभु। तो तुम्हें लगता है बर्बरीक कि तुम स्वयं ही अकेले इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? आप आदेश दें तो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरीक? आप सब बताएं कि आपके अनुमान से कितना समय लगना चाहिए। जो भीम ने बताया उसके अनुसार एक माह, एक पखवाड़े में भी हो सकता है। दो दिन नहीं, केवल एक दिन। बताओ बारबरिक, सही उत्तर क्या है? किसी का नहीं काकाश्री, तो बताओ बारबरिक कितना समय लगेगा तुम्हें? केवल उतना जितना तीन बाणों का संधान करने में लगता है। इन तीन बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को तीन पल में समाप्त कर सकता हूं। चाहे जितने भी शत्रु मेरे समक्ष हों, इन तीन बाणों से मैं सभी का नाश कर सकता हूं। मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता बर्बरीक, मुझे करनी का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो? तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो, स्वयं सूर्य नारायण के अंश हो तुम कर्ण। जब तुम्हारा जन्म हुआ मैं अविवाहित थी पुत्र, क्या करती मैं, मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। क्रोध अशांति पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। इंद्र हूं, देवराज इंद्र। सूर्य को भी अपने नियंत्रण में कर सकता तो तुम क्या हो? जितना भी अभ्यास करना है कर लो, काय धनुष से बाण चला लो। हाल के बिना योद्धा को मरना ही होता है। आपकी भूल है इंद्रदेव, यदि आप अपने पुत्र का प्रहार बन सकते हैं तो मैं भी अपने पुत्र की ढाल बन सकता हूं। मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए सूर्यदेव, जितना प्रयास करना है कर लीजिए, परंतु इस दानवीर कर्ण को कोई नहीं बचा सकता। आप करना क्या चाहते हैं इंद्रदेव? वही जो मैं सदा से करता आया हूं,
अपने शत्रु की दुर्बलता से लाभ उठाना। मैंने सुना है कि सूर्य उदय के समय यदि कर्ण से कोई दान मांगे तो वो अस्वीकार नहीं करता, मांगने वाले को निराश नहीं करता, दान अवश्य देता है। अर्थात कर्ण की दुर्बलता उसकी दान वीरता है, और उसकी शक्ति वो कवच और कुंडल तो जन्म से ही उसके लिए आपका आशीर्वाद है। जब एक ब्राह्मण दान में उससे वो कवच कुंडल मांगने जाएगा तो इस संसार को पता चलेगा कितना महान है ये सूर्यपुत्र कर्ण। यदि दान दिया तो मेरे पुत्र अर्जुन के हाथों अपने प्राण खोएगा, और यदि नहीं दिया तो मेरे हाथों सम्मान। सूर्यदेव, इन दोनों ही परिस्थितियों में विजय तो देवराज इंद्र की ही होनी। यह धर्म है इंद्रदेव। कवच और कुंडल कर्ण को उसके पिता का दिया हुआ उपहार है। यदि आपका पुत्र मेरे पुत्र को पराजित करने में असमर्थ है तो इस भांति आप एक बहुत ही नीच कार्य करेंगे। यह अनुचित है। इसमें अनुचित क्या है सूर्यदेव? आपने अपने पुत्र कर्ण की रक्षा के लिए उसे कुंडल और कवच दिए। मैं अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए वो कुंडल और कवच छीन लेना चाहता। मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। वो तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है सूर्यदेव। आप जो करना चाहते हैं आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु कल या तो आपका मान रहेगा या आपके पुत्र को आपका दिया हुआ उपहार। मेरा पुत्र है वो सूर्यपुत्र कर्ण। शीघ्र ही आपको अपनी भूल की अनुभूति हो जाएगी। कल प्रातः संसार पर सूर्य का प्रकाश पड़े या ना पड़े, परंतु ज्ञान का प्रकाश आपकी बुद्धि पर अवश्य पड़ेगा। किसी कर्ण ने कहा था, यह युद्ध एक यज्ञ है, और यज्ञ को सफल बनाने के लिए त्याग और दान करना होता है। सूर्यदेव, तुम्हारे इस पुत्र कर्ण को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। मुझे ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे बारबरीक? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये तीन बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया।
अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं, बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बार्बरिक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। परंतु स्मरण रखना बार्बरी, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बार्बरिक। तुम असफल हुए। ना मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। Thank you.
क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा। और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा, ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.